एमसी स्टैंड जीत गया उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। उसको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि एमसी स्टैंड जीत गया। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बंदा सो रहा था और उसको दो हफ्ते पहले समझ में आया और वो जीत गया। ये सीरियसली बहुत अच्छी चीज है और मैं उसको मुबारकबाद देती हूँ। अच्छा है और मुबारक हो, लाइफ में तरक्की करे और मतलब अच्छा, मतलब मुझे कोई इतना एतराज नहीं है उससे। नेल स्टूडियो में क्या हुआ आपके साथ? आज मैं देखो मेरे नेल्स नहीं है, टूट गए। करेंगे ना, अब काम करें। टूट गए मेरे नेल्स, टूट गए, तो मैं अभी कल जा रही हूँ। अभी पूछो जो पूछो, अभी पूछो पूछो पूछो। क्या अंतर क्या हुआ? राजा भाई यार, नीचे जूम करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों का प्यार मिलता है। जब मैं बिग बॉस के अंदर गई थी तो लोग मुझे जानते नहीं थे, बट अब जब मैं बिग बॉस से बाहर आई हूँ तो मुझे हर कोई जानता है। ओ माय गॉड, अर्चना भजन जा रही है। अर्चना मतलब आपने बहुत मजा किया और अब सिर्फ आपकी वजह से बिग बॉस देखते थे क्योंकि आप हंसाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से अगर किसी को खुशी मिली या किसी को हंसा अपने टेंशन से दूर होके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा है कि अब हम बोर हो गए हैं क्योंकि बिग बॉस खत्म हो गया है। क्या चल रहा है भैया? हाँ, क्या चल रहा है? इतना बदलाव हमने देखा है अर्चना को, क्योंकि जब अर्चना आई थी तो वो कुछ और थी और जब निकल के बिग बॉस से बाहर आई तो वो कुछ और बन के निकल के आई। इतना आप अपने आप को डिफरेंट देखते हैं, जब पहले अर्चना में और अभी की अर्चना में क्या अंतर हुआ है और कितना बदलाव हुआ है? अर्चना ऐसी थी पर थोड़ा बदलाव आया है, थोड़ा अभी चिल्लाती नहीं हूँ। अभी देखो मैं कितनी चिल्ला रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी, मैं अगर ऐसे बोलूँगी ना जी जी ठीक है तो आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आएगी, इसलिए मुझे थोड़ा चिल्लाना पड़ता है। बट मैं अभी थोड़ा ठहराव आ गया मेरी जिंदगी में, अभी मैं गुस्सा इतना नहीं करती हूँ और नॉर्मल रहती हूँ। बट वो जो घर था ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही गुस्सा आ जाता था, पता नहीं किस किस बात पे। तो आप भी जाओगे ना, सीरियसली आप भी गुस्सा करने लगोगे। अभी अर्चना को हम कैसे देख सकते हैं आने वाले समय, कितने प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या करने वाले? लेट्स सी, फिंगर क्रॉस, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बिग बॉस में रह के जनता को हंसाया, एक एंटरटेनमेंट दिया और मस्ती दी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी भी कुछ ऐसा करूँ जिससे कि वो लोग हंसे। बस मुझे पता है जनता वेट कर रही है कुछ नए का, तो लेट्स सी क्या होता है, क्या आ रहा है। ये मैं लोकअप में क्या है कि लोकअप की न्यूज आ रही है, बट सच में मेरा नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, वो एक अफवाह है। बट हाँ, लेट्स सी कुछ अच्छा, मतलब मे भी खतरों के खिलाड़ी, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, रोहित शेट्टी सर बुलाएंगे तो जब जाएंगे। सिमरन अड़ो, सिमरन अड़ो, सिमरन अड़ो, पीछे आ सी पीछे थोड़ा सा।